ये देख सकते हो, ये है भोस्ते का नाका। देख सकते हो ये है हमारी प्राइमरी स्कूल। आज भी याद है एक चीज, मैं और निहाल हम लोग छोटे हुआ करते थे और हम लोग इसके ऊपर चढ़ रहे थे और गलती से जो पानी की टाकी दिख रही है इसके अंदर निहाल गिर गया था। यहाँ पे कैरी देख सकते हो कितनी सारी आई हुई है, पूरा ग्राउंड था बट यहाँ पे भी बिल्डिंग बन गई है देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग पहले बहुत खेलने के लिए आते थे। कब बना यार वो, 4 महीना क्या गायब हुआ भोस्ते से, खेड़ से। सकते हो ये ग्राउंड था, यहाँ पे सब बड़े बच्चे लोग खेला करते थे और यहाँ पे छोटे बच्चे लोग मतलब हम लोग यहाँ पे खेलते थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक हो चुका है आप सभी का एक नए ब्लॉग के अंदर। एंड अभी देख सकते हो ये खेड़ स्टेशन है, तो हम लोग खेड़ स्टेशन के पास आए हुए हैं क्योंकि यहाँ से लेके मैं पूरा आप लोगों को भोस्ता आज एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। भोस्ता गांव है, खेड़ के स्टेशन के जस्ट बगल में ही है, तो जो खेड़ का सबसे पहला गांव भी आप लोग बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो वो गांव पूरा मैं एक्सप्लोर कराने वाला हूँ आज आप लोगों को, और ठीक है तो लास्ट तक बने रहना। एंड आप लोग कहाँ से हो, आप लोगों को कहाँ का व्लॉग चाहिए, क्योंकि मैं अब से जो भी छोटे छोटे गांव है, जो भी बड़े बड़े गांव है, मतलब हर जगह पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ खेड़ की चीज़ें। फिर खेड़ से आप लोग धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, बाहर की जगहों पर भी एक्सप्लोर करेंगे, तो मेरा कुछ ये प्लान चल रहा है आजकल। सो फटाफट से आप लोग कमेंट कर दो कि आप लोग कहाँ से हो, आप लोगों को किस जगह का व्लॉग चाहिए, तो मैं वहाँ जाके इंशाल्लाह ज़रूर पूरे गांव का व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज का मेरा पहला एपिसोड शुरू होता है भोस्ते से, ठीक है। तो देख सकते हो खेड़ स्टेशन के पास है, तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं अभी। अभी आप लोग को धीरे धीरे पूरा भोस्ता दिखाते जाऊंगा मैं, आज भी ब्लॉग बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हो खेड़ के रेलवे स्टेशन से हो रही है, क्योंकि आज हम लोग पूरा भोस्ते में टूर देने वाले हैं। सकते हो हम लोग जो है यहाँ पे पटरी पे चल रहे और कितना मस्त लग रहा है पटरी। यहाँ पे ना फोटो वोटो खींचने बड़ा मजा आता है। हम लोग पहले ना ऐसा आया करते थे फोटो वगैरह खींचने के लिए। अरे यार हवा चल रही है तो अब मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी बरूबर। हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर निकल गए और ये छोटा सा यहाँ पे गार्डन है। मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तब यहाँ पे ऐसा खेलने के लिए आया करते थे और बड़ा मजा आता था। हम लोगों की ऐसा दोस्तों की टीम होती थी तो वो सब टीम बना के हम लोग यहाँ पे आते थे खेलने के लिए, बड़ा मजा आता था। बट अब सब दोस्त लोग जुदा हो गए। ये रहा कैक्टस का पेड़ भाई साहब, कितना बड़ा है ये, बहुत पहले से है, अभी से नहीं है, बहुत पहले से, मतलब बहुत छोटे छोटे थे तभी, अभी बड़े बड़े हो गए। जस्ट स्टेशन वहाँ पे एंड हुआ। अब स्टेशन से यहाँ पे देख सकते हो ये पहली वाड़ी है, यहाँ पे सब गांव वगैरह चालू हो जाते हैं। मतलब आप लोग बोल सकते हो ना ये भी एक भोस्ते का ही एरिया है, ठीक है। ये भोस्ते की वाड़ी में अभी हम लोग चल रहे हैं, ये वाड़ी का एरिया आ जाता है। अभी मैं आप लोग को पूरी वाड़ी भी दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी सी। स्टेशन की वाड़ी यहाँ पे एंड होती है, फिर यहाँ से एक दूसरी वाड़ी लगती है, वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वाड़ी है बट बीच में रास्ता इन दोनों वाड़ियों को काट देता है, समझे। बहुत पहले मतलब तकरीबन 10-12 साल पहले यहाँ पे चक्की हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग भी वाड़ी में ही रहा करते थे ना, तो मुझे पता है यहाँ पे हम लोग ना ऐसा आटा वगैरह पिसाने के लिए आते थे, तो याद है अभी भी। तो यहाँ पे सब चक्की हुआ करती थी, अभी है कि नहीं पता नहीं, अभी नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, तो पहले हम लोग यहाँ पे रहते थे, इस वाड़ी में रहते थे जो भोस्ते में ही है। अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए यहाँ से, तो इस वाड़ी में रहते थे, मतलब अंदर रहते थे, ठीक है। तो इस जगह पे पूरा मैदान था बट अभी देख सकते हो बंगला बन चुका है यहाँ पे, बड़ा सा मैदान, मतलब खेत बोल सकते हो आप, एक छोटा सा मतलब खेत था यहाँ पे, सब लोग खेती बाड़ी करते थे जब हम लोग वाड़ी में रहते थे तब। देख सकते हो पूरा हर जगह पूरा बंगले वगले बन गए यहाँ पे, देख सकते हो। एंड ये आ गया भोस्ता, ठीक है, यहाँ से कट होके यहाँ पे पूरा भोस्ता लग जाता है, मतलब मोहल्ला, ठीक है, मतलब वो वाड़ी और ये मोहल्ला, यहाँ से मोहल्ला चालू हो गया पूरा। जगह का नाम है जलाल शाह मोहल्ला, वो भोस्ता और जलाल शाह मोहल्ला कुछ ऐसा दिखता है अभी के टाइम पे फिलहाल, देख सकते हो। टाइम पे भोस्ता काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, ठीक है, अच्छा खासा डेवलप हो गया है। ये देख सकते हो ये है भोस्ते का नाका। अच्छा अभी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम लोग यहाँ से जाए या रोड से आप लोग को दिखाए, कैसा दिखाने का रे। हाँ अंदर तो कुछ नहीं है, देख सकते हो कितनी मस्त बनी है अभी भोस्ते में। पहले मतलब काम चालू था, काफ़ी टाइम से काम चालू था बट अभी भी काम हो चुका है, मतलब भोस्ते की न्यू मस्जिद देख सकते हो, कुछ ऐसा भी इसका काम चल रहा है। मस्जिद है कुबा, यहाँ से दूसरा मोहल्ला चालू होता है मलिक रिहान चौक, जिसके अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी, तो हो चुके हैं हम लोग एंटर, ठीक है। तो अभी आप लोग को मलिक रिहान दिखाता हूँ, मतलब चौक का नाम है,
लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले बहुत आते थे, मतलब यहाँ पे मेरे फ्रेंड का घर भी है। यहाँ पे हम लोग टिकटॉक, जब टिकटॉक था ना उस टाइम पे हम लोग रील, ये मतलब क्या बोलते हैं यार, टिकटॉक वगैरह बनाने आते थे। अभी तो मैं नाम भी भूल गया, क्या बोलते हैं टिकटॉक को, टिकटॉक ही टिकटॉक वीडियो ऐसा बोलते थे ना, अभी तो रील इंस्टाग्राम को बोलते हैं बराबर। तो वही बनाने के लिए यहाँ पे आते थे, लेकिन जब से वो बंद हुआ तब से मेरा इधर पे आना जाना भी बंद हो गया। यहाँ पे बिल्डिंग भी देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हुई है। मतलब जब हम लोग टिकटॉक वगैरह बनाने आते थे ना तब ये टाइम पे बिल्डिंग भी नहीं थी, बट अभी देख सकते हो बिल्डिंग भी बन चुकी है। तो सही है, बात बता ये कब बना, कब भी बना थी क्या नहीं मालूम, ये कब बना यार, वो 4 महीना क्या गायब हुआ उसके से खेड़ से, मतलब सब आएगा 4 महीने पहले भी इधर आएगा। हाँ यार, मेरे को इधर पे आए हुए ना कम से कम 3-4 साल हो गए। देख सकते हो माशाल्लाह कितना तगड़ा बना हुआ है, बहुत मस्त बना है। मेरे को नहीं मालूम था भोसते में इतने अच्छे अच्छे घर भी बन गए। मैं तो ऐसे ही आया जस्ट, मैं सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते, बट अभी देख रहा हूँ बहुत कुछ बन चुका है नया नया। ये ग्राउंड देख सकते हो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, किसी टाइम पे यहाँ पे हम लोग कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मतलब देख सकते हो एक ग्राउंड है कुछ। यहाँ पे तकरीबन लॉकडाउन की बात है तब यहाँ पे इतने बच्चे होते थे ना, यहाँ पे सब लोग मतलब है ना 3-4 बजे से ही लग जाते थे, और जो क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना भाई साहब पूछो ही मत, हम लोग रात में 7 बजे तक खेलते थे। बट अभी देख सकते हो कोई नहीं है यहाँ पे, सब लोग अपने काम पे लग गए होंगे। देख सकते हो ये ग्राउंड था, यहाँ पे सब बड़े बच्चे लोग खेला करते थे और यहाँ पे छोटे बच्चे लोग मतलब हम लोग यहाँ पे खेलते थे, एंड वहाँ पे इसके उस पार एक और एक ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग कबड्डी खेलते थे। मतलब हम लोगों का कबड्डी का ग्राउंड था, बट अभी है कि नहीं कबड्डी का ग्राउंड पता नहीं, चलो वो भी देखते। हाँ यार देख सकते हो पूरा कबड्डी का हमारा जो ग्राउंड था पूरा साफ हो गया, वरना ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे ना ये सब हम लोगों ने साफ किए थे यहाँ पे, मस्त भी किए ऐसा, मतलब कबड्डी का पूरा ग्राउंड बनाए थे और यहाँ पे काफ़ी बहुत मतलब हम लोग खेलते थे। बट अभी तो कोई नहीं है यार यहाँ पे। अभी मैं मेरे दोस्त को यहाँ पे कॉल करता हूँ, मईनुद्दीन नाम है उसका, मतलब यहाँ पे मेरे 2-4 दोस्त रहते हैं, तो उन लोग को कॉल करता हूँ और उन लोग आएंगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, लग ही नहीं रहा 4 बज रहे। ये देखते हैं मेरी लड़की की आवाज़ है कि नहीं, उठाता है कि नहीं पता नहीं। हेलो हेलो, बोल पहचाने यार, बोल क्या बोल। अच्छा पहचान लिया। अरे मैं क्या बोल रहा, तेरे बिल्डिंग के पीछे वाले ग्राउंड पे आया हूँ मैं। मजाक मत कर, तेरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। रुक जा, चला जा घर में, आ जा चल कसम से। तू नहीं है क्या? नहीं हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चल अल्लाह हाफिज़। चले ये मोहल्ले में से चले गए आप लोग, ये मोहल्ले में से, क्योंकि अभी हम लोगों ने रोड रोड साइड दिखाए थे आप लोग को, अभी मोहल्ले के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं हम लोग, तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, थोड़ा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ ग्राउंड था यहाँ का हमारा खेलने वाला, तो निकलते हैं यहाँ से। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे देख सकते हो मैं आप लोगों को ग्राउंड गिनाता हूँ, ये एक ग्राउंड है, 1, 2, 3, उसके उस पर 4, ठीक है 4th ग्राउंड, यहाँ पे 4, वहाँ पे 5, मतलब टोटल यहाँ पे 5 ग्राउंड है। बट यहाँ ये ग्राउंड पूरा खाली है, मतलब आप लोग बोल सकते हो बहुत कम यहाँ पे बच्चे लोग आते हैं। एंड हमारे यहाँ पे एक नया ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पे कैसा है पता है, ये सारे ग्राउंड फ्री है अगर आप लोग यहाँ पे आओगे खेलने के लिए, पर हमारे जो दूसरे इधर बना हुआ है एक जगह पे, उस जगह का खाली भाड़ा ही 1 घंटे का 500 रुपये। तो मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब यहाँ पे फ्री है यहाँ पे आओ ना फिर खेलने के लिए, वहाँ पे उतना दूर मतलब उतना ऊपर जा रहे तुम लोग खेलने के लिए, और वो भी 1 घंटा खेलोगे 500 रुपये दे के, वही 500 रुपये बचेगा तुम लोग पार्टी कर लेना। बट आई जस्ट मेरा माइंड है, अभी मेरे को नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही मैं जैसा ऐसे ही बोला। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऐसा ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग खेलने के लिए आते थे, बट यहाँ पे भी देख सकते हो अभी बिल्डिंग बन गई है। ठीक है, तो अब तो नहीं आते खेलने के लिए, तो पहले बहुत आया करते थे, तो जस्ट ऐसे हम लोग शॉर्टकट मार के जा रहे हैं थोड़ा ऊपर। फाइनली निकल गया, ठीक है, वहाँ पे मैं फंस गया था बीच में, बट वहाँ से मैं निकल गया। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, मतलब घुसते गए एकदम टॉप पे आ गए। अब टॉप से हम लोग नीचे जाएंगे, मतलब वो सब भी आप लोग को दिखा सकूंगा ना। मेरा ग्राउंड था बट यहाँ पे भी बिल्डिंग बन गई है देख सकते हो, और यहाँ पे हम लोग पहले बहुत खेलने के लिए आते थे, पतंग वगैरह भी उड़ाते थे, बहुत सारी यादें दोस्तों से। जैसे मैं छोड़ के चला गया हो क्या, मैं भी तो अभी भी यहीं पे रहता हूँ।
सकते हो ये है भोस्ते की दरगाह, मलिक रियान बाबा मतलब दरगाह का नाम है। क्या हुआ? तो देख सकते हो कुछ ऐसी है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर से मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ से एकदम पहाड़ पे जाने का रास्ता है, जो यहाँ पे देख सकते हो डोंगर जो है ये यहीं से वहाँ पे जाने का रास्ता है, बट हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, ये शॉर्टकट है, क्योंकि हम लोग उतना घूम के आते तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता था, बट ये शॉर्टकट ऐसा है कि ये सीधा हम लोग को जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे ना भोस्ते में वहाँ पे पहुँचाएगा। मेरे पैर पूरे गंदे हो गए। चलो तो भाई फाइनली आ गए अपने घर पे, और ये देख सकते हो ये रही अपनी गाड़ी भी इधर खड़ी है। कैसी हो? वेलकम बैक। हंस रही है। तो देख सकते हो ईशु यहाँ रहती है, ईशु का घर रिवील हो गया। ईशु तेरा घर रिवील हो गया? अरे जूम हो गया, चलेगा तेरा घर रिवील हो गया तो? मेरा घर है। तेरा घर है? छे कौन बोला, सही में तेरा है? हाँ। ये लो पानी लो। रुक गए, मुझे वीडियो में देता हूँ, दुपट्टा सीधे से देने दिया। तो हाथ तो हटाओ। हेलो, तो मेरे घर के सामने का कुछ ऐसा सीन है, एकदम शांति। सीरियसली बोलूँ ना, हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है। सीरियसली बोलूँ हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, खेड़ में एकदम शांति वाला एरिया है, तो इसके लिए मुझे खेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मुंबई वगैरह भी जाता हूँ बट काफ़ी जल्दी वापस आ जाता हूँ, क्योंकि अपने खेड़ से मुझे इतना प्यार है, क्या बोलूँ। यहाँ पे कैरी देख सकते हो कितनी सारी आई हुई है भाई साहब। तो अभी जलाल शेख मोहल्ले से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो ये है भोस्ते का नाका, ये जो ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पे कवाली वगैरह होती है, ठीक है। देख सकते हो ये है हमारी प्राइमरी स्कूल, जिला परिषद आदर्श प्राइमरी उर्दू स्कूल भोस्ते, तालुका खेड़, जिला रत्न। नाम है कि पता है रे, मेरे को ये पता। हाँ मतलब एड्रेस भी है, मतलब जिला परिषद क्या है यार, आदर्श प्राइमरी सेमी अंग्रेजी डिजिटल डिजिटल शाला भोस्ते उर्दू तालुका खेड़ जिला रत्नागिरी। हाँ अब फाइनली पढ़ लिया मैं। लेकिन हम लोग के टाइम पे कुछ अलग ही स्कूल का नाम पढ़ाते थे यार, हम लोग के टाइम पे ये स्कूल का नाम याद रखवाते थे, जिला परिषद आदर्श प्राइमरी उर्दू स्कूल शाला भोस्ते। अभी के टाइम पे डिजिटल वगैरह ऐड हो गया। आज भी याद है एक चीज़, मैं और निहाल हम लोग छोटे हुआ करते थे और हम लोग इसके ऊपर चढ़ रहे थे, और गलती से जो पानी की टाँकी दिख रही है इसके अंदर निहाल गिर गया था। अरे ना भाई, फंस गया था, कसम से फंस गया था। फिर कितने टाइम तक ये रो रहा है अंदर। उसके बाद फिर वहाँ पे वो गुड्डू भाई उन लोग बैठे हुए थे, फिर उन लोग को हम लोगों ने आवाज़ दी, गुड्डू भाई पप्पू भाई वगैरह यहाँ पे, मतलब लड़के लोग पे अभी उन लोग फॉरेन वाले मतलब कहाँ चले गए पता नहीं, तो उन लोग को आवाज़ दिए, फिर उन लोगों ने इसको निकाले पता है खींच के। तो अभी तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन वो टाइम पे इतना बड़ा लगता था ना ये, कसम से। और ये मेरे को बोलता था कह भाई कह मम्मी को मत बताना, ऐसे ही बोल रहा था ना तू वो टाइम पे, कह मम्मी को मत बताना बहुत मारेंगे। तो अभी मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, एंड ये देखो नीचे कितना ज़्यादा खड्डा है, इसके अंदर नियाल फंस गया था। हेलो क्या हो गया, कैसा खा रहा है वो मैगी? मैगी का मसाला भी खा रहा है, मैगी भी खा रहा है, देखो उसमें डाल के। सही है यार तुम लोग का रावस है। ये देखो ये मैगी डाला मसाले में और गया पेट के अंदर। बट ना ये जब हम लोग ये स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल में, इतनी मज़ा आती थी ना। एक वो कांड किए थे, और एक बार यहाँ पे जो नल लगा हुआ है ये मेरी बदौलत टूटा हुआ है, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ये जो नल लगा हुआ है ये मेरी बदौलत टूटा हुआ है, क्योंकि इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, एंड मैंने क्या किया था, ये नल को पूरा ऐसा उखाड़ दिया था और ये पूरा ऐसा पूरा पानी फोर्स में पूरा गिरने लग गया था भाई। बहुत हालत ख़राब हुई थी, मतलब टीचर ने भी बहुत चिल्लाए थे, मारे नहीं थे, बच गया था। तो जो कुछ था भोस्ते का दिखाने का वो सब कुछ मैंने आप लोग को दिखा दिया, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ मैंने जो आप लोग को कहा है कि प्लीज़ कमेंट कर दो, आप लोग को जिस जगह का भी वीडियो देखना है
मैं खुद जाके वहाँ पे बना के दिखाऊंगा पूरा आप लोगों को। तो चलो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, सब्सक्राइब सब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।